कल रात यहाँ पे आया। मैं पिछले 3 दिनों में झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांव में घूम रहा था और वहां मैंने जो दुनिया देखी और यहाँ आज जो मैं देख रहा हूँ उसमें काफी अंतर मुझे लग रहा है। हम यहाँ काफी खुश है, काफी नाच गान कर रहे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो मैंने पिछले 2 दिनों में नहीं देखा। I've been traveling into the villages of Jharkhand and West Bengal last 3 days, and I see a marked difference between what I see here and what I saw there in last 2 days. Jharkhand के गांव में मुझे लोग ले गए कि जहां कोयला निकालते हैं। रात को करीब 2 बजे शुरू हो जाता है और सब लोग मानते हैं कि थोड़ा कोयला निकाल के लाए तो हमारी घर की रोटी आज निकल जाएगी। और कई लोग बोलते हैं कि कोयला की चोरी हो रही है, बट लोग मानते हैं कि चोरी भी करे कोई बात नहीं, हमारी रोटी के लिए। और सुबह 4 बजे फिर साइकिल वाले लोग आ जाते हैं वो कोयला खरीदने के लिए। वो कोयला खरीदते हैं लोगों से और फिर मैंने देखा है साइकिल की पूरी लगार एक लाइन। मैं मानता हूँ हर एक साइकिल के ऊपर करीब 100 से 150 किलो कोयला था और ऐसे टेढ़े होके धक्का मार के वो साइकिल चढ़ा रहे पर्वत पे। मैंने पूछा मेरे साथियों को कहाँ तक जाएंगे लोग, बोलते करीब 40 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां जो होटल्स हैं होटल्स में लोग कोयला बेचेंगे। मैं वहां से बंगाल गया, जालना में था, तो मैंने सुबह सुबह वहां भी साइकिल वाले देखे कोयला बेच रहे थे। तो मैंने पूछा साथियों को कि अच्छा ये कोयला बंगाल में भी है, बोलते नहीं ये झारखंड से बेचने के लिए आते हैं। यानी 3 दिन 3 रात साइकिल चला के करीब 150 किलोमीटर का फासला काट के रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं। अब बंगाल में जाए गांव के अंदर सूरज उगते ही लोग अपने घर के बाहर खटिया निकाल के आ जाते हैं। घर का पुरुष है, औरत है, बच्चे हैं, सभी बीड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं। 1000 बीड़ी बनाते हैं तो 130 रुपया मिलता है। हमने तो सुना था भाई कि देश में बहुत विकास है, बहुत पैसा है, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है? अगर है तो ये किताब जो है मेरे हाथ में, ये मैंने पिछले साल लिखा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश हिंदी और गुजराती में है, वेद भारत, आदिवासी और दलित की हाल क्या है देश में, दलित अत्याचार की तो बात बहुत होती है, आदिवासी अत्याचारों की बातें बहुत बाहर निकल के नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां गुजर है, बकरवाल है, अपनी भेड़ बकरी के साथ साल में 6-8 महीना पर्वत चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। पिछले 5 साल में माना जाता है कि 15-20 हजार कैटल मर गए क्योंकि ऊपर घास नहीं था खाने के लिए। कथुआ में लड़की पे बलात्कार हुआ, देश भर के अखबार वगैरह। अब उत्तराखंड चले जाइए, क्या हाल है आदिवासियों के, कितने वांटेड लेबरर्स हैं जो 3 पीढ़ी से जमींदारों के वहाँ वांटेड है अथवा मजदूर। अब हिमाचल प्रदेश में जाइए, कितनी जंगल की जमीन है जो इंडस्ट्री को दिया गया है। मध्य प्रदेश में जाइए, ओडिशा में जाइए कि ओडिशा में जो आदिवासियों के लिए खास स्कूलें बनाई गई है, बोर्डिंग स्कूल, वहाँ कितने बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, उस स्कूल के हॉस्टल में प्रेग्नेंट हुई है और वहाँ डिलीवरी हुआ है।
ये विधानसभा की खुद के आंकड़े हैं। आप कर्नाटक का जाइए, वो कोरा का आदिवासी है, उनसे पूछिए, वो खाना मांगने जाते हैं शाम को, खाने में नाखून भी आता है, बाल भी आते हैं। तमिलनाडु में 1992 में गांव में वचाती करके गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों ने मिलकर हमला किया था, 256 लोगों ने आदिवासी औरतों पे बलात्कार किया, पुरुषों को मारा, उसकी बकरियां काट के खा गए और वो हड्डियां और केरोसिन पानी जो पीने का था उसमें डाल दिया तो लोग पानी पी पाएंगे। उसको न्याय मिलते मिलते करीब 20 साल हो गया। हर साल भारत में दलित और आदिवासी की कितनी हत्याएं होती है आप आंकड़ा निकालेंगे तो करीब 900 से 1000 होती है। कितने बलात्कार होते हैं साल में? करीब 3,500 से 4,000। यानी कि पिछले 5 साल में 17,500 औरतों पे बलात्कार हुआ है और 4,500 लोगों की हत्या हो गई है। ये क्यों हो रहा है? गुजरात से मैं आता हूँ, वो मानता है कि गुजरात सबसे प्रगतिशील राज्य है। वहाँ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो आज अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ से हैं। मैं गुजरात के गांव में गया था, आदिवासी इलाका था और छोटे बच्चे थे, नुक्कड़ कर रहे थे। अच्छा किया, माँ बाप मुझे बोलते थे कोई लोग कि ये माँ बाप को समझाओ ना, थैंक यू, ये बच्चों को समझाए स्कूल जाने के लिए। मैंने माँ बाप को पूछा कि बच्चे नहीं जाते स्कूल, जाते दो घंटे जाते हैं, दो घंटे क्यों, स्कूल तो 6 घंटे होता है, नहीं थोड़ा काम भी करना पड़ेगा ना, घर कैसे चलेगा? छोटे बच्चे 6 साल के क्या करेंगे घर चलाने के लिए? फिर पता चला वहां से बाजू में नदी जा रही है बड़ी, और हमारे यहाँ बहुत धार्मिक लोग हैं ना देश में, पूरा देश धर्म से भरा हुआ है, भगवानों से भरा हुआ है, तो लोग थोड़ा पैसा डालते हैं पानी में। ये बच्चे क्या करते हैं? गजक लोह चुंबक का एक टुकड़ा लेके उसको दोरी बांध के पूरा दिन पैसा निकालने का काम करते हैं, 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया। और कभी कभी धार्मिक लोग बहुत आते हैं और बच्चे को 1 रुपये का सिक्का बताते, बोलेंगे ये चाहिए, ये बच्चा अपनी आंखों में इतना प्यासा है, तरसा है, हाँ चाहिए, दूर फेंकेंगे गहरे पानी में और चैलेंज करेंगे, अच्छा वहां से निकल के लाओ। ये मजाक गरीबों की, इसका भी कोई हद होता है कभी? तो सवाल ये है, ये चल क्यों रहा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर जो राजनीति में जब आए और उन्होंने देश का संविधान बनाया तो कुछ नया अधिकार न दिया आदिवासी को, जो कुदरती अधिकार दिए थे, उसको संरक्षित किया कि आप नेचर के साथ रहते हैं, जमीन तुम्हारा, जंगल तुम्हारा है। अब हम मानते थे कि संविधान है और अधिकार है और आरक्षण की वजह से हमारे नेतागण जाएंगे विधानसभा लोकसभा में तो हम सुरक्षित लोग हैं। आज 70 साल की आजादी के बाद हम मानते हैं दलितों के भी करीब 84 सांसद बैठे हैं और आदिवासी के भी करीब मेरे ख्याल से 40-42 है। आदिवासी दलित पे अत्याचार होगा तो बोलेंगे नहीं, चुप। आरक्षण इसीलिए लाया गया था कि आप जिस समाज से आ रहे हो वो समाज से आप वफादार रहोगे, लेकिन आज वफादार किसके साथ है? राजकीय पार्टी के साथ। हमारी पार्टी ने बोला है तो यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व का जो सिक्योरिटी सलामती हमारे मन में था वो खत्म हो गया। अब संविधान बचाओ, क्या कौन बचाएगा और क्या बचाना क्या है? पिछले साल हमारी सर्वोच्च अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक जजमेंट दिया कि दलित और आदिवासी दोनों एट्रोसिटी एक्ट में फर्जी केस दाखिल कर रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्शन दे दिया
व्यक्ति को पूछे बिना किसी को अरेस्ट मत करो। अब अभी तक कांस्टेबल जो इन्वेस्टिगेशन करता था तब भी 2 साल लगता था, अभी एसपी करने बैठेगा तो कहां जाएगा। पूरे देश में दंगे हो गए, दर्जन से ज्यादा आदिवासी और दलित लोग मर गए रोड पे, खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये आंकड़ा कहां से लाई कि दलित और आदिवासी जो है वो फर्जी केस दाखिल कर रहे हैं। मैंने गुजरात में एक आरटीआई किया और सरकार को बोला कि 1989 जब एक्ट आया था अत्याचार धारा, तब से लेकिन अभी तक 2019 में 29 साल में कितने फर्जी केस दाखिल हुए, मुझे उसका सूची दे दो पुलिस स्टेशन में। क्या जवाब आया? 6 जिला के पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी फर्जी केस दाखिल नहीं हुआ। 7 पुलिस जिला ने लिख के दिया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई माहिती संगठित करने का कोई तरीका ही नहीं। पूरे गुजरात में 29 साल में 216 केस आया जो फर्जी है। हमने एक एक फाइल खोल के देखा, वो निकला समरी ए और समरी बी का केस, यानी कि मेरा खून हो गया लेकिन पुलिस जिसने खून किया उसको ढूंढ नहीं पा रही। अब ये केस फर्जी है। अभी सुप्रीम कोर्ट जिसको हमको मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय है पूरे देश का, वो ऐसा बोलेगा तो फिर हमें लगता है कि कानून हमारे पक्ष में अभी नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक चीज बोला पिछले साल, 11,30,000 आदिवासी जो जंगल जमीन पे कब्जा किया उसको हटा दो। बाद में सरकार डर गई क्योंकि इलेक्शन था और सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोला, नहीं शायद हमारी गलती हो गई कि कानून में लिखा है कि किसी को हटाने से पहले उसके कागज बराबर है कि नहीं देखना चाहिए और हमने शायद देखा नहीं है, तो हमें विड्रॉ करना है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल है कि आपने भी देखा नहीं कि कागज बराबर है कि नहीं, और सीधा बोल दिया कि सबको हटा दो वहां से। क्या करेंगे, हमारे पास चारा क्या है, रास्ता क्या है जी? फांसी करना चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट को कौन फांसी देगा। अच्छा, बहुत शॉर्ट में क्योंकि समय में हमारे पास कम है, मुझे 10 मिनट बोला गया है, 3 चीजें। सबसे पहला है कि हम बोलते हैं आदिवासी, लेकिन आदिवासी समाज जैसी कोई पहचान नहीं है। माफ करिए अगर किसी को बुरा लगेगा तो, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सेक्टर है उससे 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां एक आदिवासी लड़की का प्यार हो गया कोई दूसरी जाति के साथ, किसी ने देख लिया पेड़ के नीचे बैठे हैं, पंचायत बुलाया गया, न्याय करना चाहिए। तू क्यों वो आदिवासी होकर दूसरी जाति में गई, 50,000 रुपया निकालो जुर्माना। ये बहुत गरीब फैमिली है, कहां से 50,000 रुपया लाएगा। तो बोला मर्दों को, अब देख क्या कर रहे हो, जो करना है करो। ये औरत को सुनाया गया प्लेटफॉर्म पे और औरत ने बोला कि मैं बेहोश हो गई, उसके पहले मैंने 22 लोगों को नाम गिना है आके मेरे पे बलात्कार किया, बाद में किस्त कितने किया मुझे नहीं पता है। बोला गया सबको कि उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाओगे। बाद में कोई उसको मर रही थी तो भाग के ले गए, बड़ी अस्पताल में ले गए, तब पुलिस को पता चला। जब पुलिस आई गांव में सभी महिला लाइन में आ गई, हमारे मर्दों ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसी औरतों के साथ नहीं करना चाहिए। कौन सी आदिवासी अस्मिता की हम बात कर रहे हैं? अगर हमारे पास जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं होगा, हमारा संगठन कभी नहीं बन सकता। अगर औरत का ये अधिकार नहीं होता है समाज में, जो उड़ीसा में भी ये घटना हो गया, वो लड़का शराब पी के कोई औरत के घर में घुसा, भाग गया, हस्बैंड ने पूछा कौन था, वो था, दूसरे दिन मुखिया के पास गया, मेरी औरत के साथ ये किया, मुझे परमिशन दे दो मैं उसकी बहन के साथ जाकर बलात्कार करूँ, और मुखिया ने बोला करो बराबर। लड़की को खींच के जंगल में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया। हमें हमारी अस्मिता ढूंढना पड़ेगा। ये पहले नहीं था, ये चित्र पहले नहीं था,
ये राजनीति जो है, ये जो संस्कृति है, हमारा पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। मैंने आदिवासी इलाके में 40 साल पहले काम किया था। मैं पहली बार जब गांव में रुका, रात को रुका था और सुबह निकला, बहुत भूख लगी थी। मेरे साथियों ने बोला था कुछ आटा लेके जाना, कोई भी औरत है, क्योंकि मेरे पास चूल्हा नहीं था, कुछ नहीं था, तो रोटी बना देंगी और थोड़ा अचार घर से ले जाओ। मैं बाहर निकला, जैसे बाहर निकला मैं डर के मारे अंदर घुस गया, क्यों जितनी भी औरतें थी, कमर के ऊपर जिसके पास कपड़ा नहीं था, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मैं बहुत डर गया, पूरे दिन झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। और रात को मैं सो गया तो मुझे सोच में आया कि जिसको मैं पाप मानता हूँ, गलत मानता हूँ, वो औरत के शरीर में है कि मेरे मन में है? वो मेरे मन में। मैं आदिवासी समाज में रहा, काम किया, कभी नहीं सुना कि कोई के साथ बलात्कार हुआ, कपड़े नहीं थे तो भी। आज शहर में 4 कपड़े पहन के आप घूमोगे, सलामती नहीं। ये फर्क था आदिवासी संस्कृति और जो अन आदिवासी संस्कृति के बीच में। आज ये कमी खत्म हो रहा है। बाबा साहब ने बोला था, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, जिन्होंने लड़कियों को देश में पढ़ाने की शुरुआत की, उन्होंने बोला शाहू महाराज थे, बहुत सारे लोग थे, गायकवाड़ राजा थे, क्या बोला, सभी गरीब लोग है, शोषित वर्ग है, उसको संगठित रहना पड़ेगा। इस देश में 75% की सुबह से बात हो रही है, लेकिन 75% एक आदर्श है, वास्तविकता नहीं है। गांव में दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, लघुमती, ओबीसी एक साथ में नहीं बैठ सकते, दलित में भी नहीं बैठते। मैंने दलितों के साथ पूरी जिंदगी निकाला है। राम पात्र मैंने सालों पहले देखा था, हर एक घर में, गांव में जाओ तो एक कप रखते है। ये कप क्यों नहीं, इसका नाम राम पात्र है। मतलब अगर मैं दलित हूँ और कोई ठाकुर के घर गया मजदूरी पाने के लिए तो बोलेंगे चाय पियोगे? हाँ मालिक, तुम्हारा राम पात्र नहीं चला हो। फिर ऊपर से चाय डालेंगे और मुझे पूछना है, वापिस रखना है, राम पात्र है। दलित जो ढोल बजाते उसका नाम है राम, जो सागर बजाते उसका नाम है राम सागर। अब राम कहाँ है तुम्हारा? लेकिन मैं वापिस ये गांव को देख के आया और दलित बस्ती में मेरा खाट का था, तो मैंने वहां भी कब देखा? एक मिनट, आपने मुझे समझाया कि जो नॉन दलित है वो दलितों के लिए अलग कप रखते हैं, कब नहीं, माटी में हम दलित है लेकिन थोड़े ऊंचे हैं ना, तो वाल्मीकि घर पे आएगा तो फिर हमारे कप में चाय नहीं दे पाएंगे। अब अम्बेडकर क्या करेंगे इसमें, बिरसा मुंडा क्या करेंगे? तो गए नहीं है अभी, जितना भी आप जोर से सूत्र लगाना है, जय भीम बोलो बोलो, वो यहाँ नहीं है, रह गया है उसके विचार, उसके सोच। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं उतरेंगे तो ये जो हमारा सपना है कि 75% लोगों का राज आएगा, ये कभी वास्तविकता नहीं होगी। आप सबने बहुत ध्यान से मुझे सुना, सबका आभार, जोहार।